अगर आपसे कोई कहता है कि सैलेड खा लो तो हम अक्सर मुंह बना लेते हैं, सैलेड खाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर यही सैलेड हेल्दी और टेस्टी हो जाए और दिखने में बहुत ही अच्छा लगे तो आई थिंक कोई मना नहीं करेगा। तो ऐसी ही हेल्दी, टेस्टी और दिखने में बहुत ही अच्छी सैलेड रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर पर बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इस सैलेड की एक और खासियत है कि ये प्रोटीन रिच भी है, तो ऑफकोर्स ये आप लंच में अपनी एक एज अ परफेक्ट मील भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं कैश्यू आधा कप, यानी कि काजू, और उसको हल्के गर्म पानी में हम कुछ घंटे के लिए, एक घंटे के लिए मिनिमम सोक करने के लिए रख देंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसे यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेट्यूस लीव्स लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद उसको चॉप कर लिया है। इसके साथ ही कैबेज है, कैबेज को भी यहाँ पे मैं पर्पल कैबेज ले रही हूँ, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है आउटर लीव्स निकाल कर। और सारी सब्जियाँ जो भी हम ले रहे हैं सैलेड बनाने के लिए, उनको रनिंग वाटर में, ठंडा पानी हो, अच्छे से धो लेना है। सारी वेजीज को कट कर एक बोल में इकट्ठा करेंगे, और इसके साथ ही मैंने बॉयल्ड किडनी बीन्स भी डाले हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोल में हम बनाएंगे सैलेड ड्रेसिंग, जिसमें मैंने सोक्ड काजू डाले हैं, कैबेज डाली है जिससे पर्पल कलर आएगा, और इसके साथ ही ऑलिव ऑयल, काली मिर्च और कुछ सिसमे सीड्स, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पनीर। तो इसलिए हमारे सैलेड काफ़ी बीन्स और पनीर की वजह से प्रोटीन रिच भी हो गया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कुछ गार्लिक यानी कि लहसुन की कलियाँ भी डालेंगे, और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे एक फाइन पेस्ट में। तो ये हमारी सैलेड ड्रेसिंग तैयार हो गई है। क्रीमी है, टेस्टी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये हेल्दी भी है। तो अब इसको हम सैलेड ड्रेसिंग इसके ऊपर डालकर मिक्स कर लेंगे। वाओ, जब इतने वाइब्रेंट कलर्स हों और उसके साथ पर्पल कलर की ड्रेसिंग, तो ऑफकोर्स सैलेड हमारा और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है, जिसे खाने से कोई मना नहीं कर सकता। हेल्दी है, टेस्टी है, और इसके साथ ही इतना सुंदर दिखने वाला। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको सैलेड कैसी लगी। अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से हमारा सैलेड बोल बनकर तैयार हो गया है। इसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, ये परफेक्ट मील की तरह भी काम करता है। वेट लॉस जर्नी में है तो इसे भी एक हेल्दी चॉइस बना सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी हेल्दी चॉइस के साथ। बाय बाय।